टेसू का फूल या पलाश का फूल झारखंड और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। गर्मी के आगमन के साथ ही पलाश के फूल खिलने लगते हैं। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश को भारतीय डाकघर के डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। हिंदू धर्म में पलाश को भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास स्थान माना जाता है। इन सब के अलावा पलाश के कई आयुर्वेदिक इस्तेमाल है, जिसके माध्यम से कई बीमारियों का निवारण होता है। मैं डॉक्टर मकरंद कुमार मिश्रा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त दौसा हजारीबाग में पदस्थापित हूँ। और जैसा कि आपने पूछा अभी पलाश की उपयोगिता, तो पलाश हम लोग के यहाँ बात शामक के रूप में माना जाता है। बात संबंधी यानी कि ज्वाइंट पेन वगैरह जितना भी समस्या होता है उसमें हम लोग पलाश का उपयोग कराते हैं। एक दवा हम लोग के यहाँ बनती है दशमूलारिष्ट, उसमें भी पलाश का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी भी तरह के दर्द में कारगर होता है। इसके अलावा दशमूलारिष्ट का उपयोग हम लोग उस महिला में करवाते हैं जो सद्य प्रसूता हुए, जिनको अभी बच्चे हुए हैं, और उनको ताकत बढ़ाने के लिए भी दशमूलारिष्ट यानी पलाश आपका उसमें भी काम कर रहा है। पलाश के पत्ते का अगर हम उपयोग करें तो पत्ता को पीस करके उसका रस निकाल कर भी पिला सकते हैं, तो बात शामक होगा। और उसका उसका फूल का उपयोग खास करके बहुत लोग रंग बनाने के काम में लाते हैं, लाल रंग जो बनता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। वैसे फूल भी आपका बात शामक ही माना जाता है। उसका पंचांग बात शामक है, फूल, पत्र, त्वचा, उसका छाल जो है, जड़ है, शाखा जो भी है, उसका अंग सब का सब उसमें औषधि के लिए लायक माना जाता है। और उसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में कर सकते हैं और करते भी हैं।